हेलो पेरेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारी मसूर की बुवाई हो चुकी है, इसके बाद हम चने की बुवाई करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो पहले मैं आपको दिखाऊं, जो हमने मसूर लगाई थी लगभग 8 दिन की हो चुकी है तो, और ये उगना शुरू हो गए हैं और बाहर भी निकल आई है। तो इसके बाद मैं अपने चने के खेत में ले चलूँगा जहाँ पर हमें चना बोना है जाके। तो पहले मैं आपको मसूर दिखा देता हूँ कि जो हमने बुवाई करी थी वो कैसी हुई है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो देख सकते हो दोस्तों, ये मसूर लगभग 8 दिन की हो चुकी है और धीरे धीरे करके बाहर निकल आई है। मैं लेके चलता हूँ दोस्तों को हमारे चने के खेत में जहाँ पर चना की बुवाई चल रही है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो। बस ये दोस्तों चनी, जिसको कांटेदार चनी बोलते हैं, पीली चनी, और लगभग इसका एवरेज 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा माना जाता है, और इससे ज़्यादा भी नहीं हो जाता है, बट हमारे यहाँ इसका जो एवरेज है वो 4 से 5 बीघा प्रति क्विंटल के हिसाब से है। और इसमें जो मैं बुवाई कर रहा हूँ वो 30 किलो पर केजी के हिसाब से, देख सकते हो ये रखा है बीज। तो सामने चल रहा है हमारा ट्रैक्टर चने की बुवाई में, तो देख सकते हो दोस्तों। देख सकते हो बुवाई चल रही है चने की। जल्दी जल्दी निकाल, देख सकते हो दोस्तों साथ में रहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, और हाँ दोस्तों कमेंट्स कर बताइए कि आपके क्षेत्र में चने की बुवाई हुई कि नहीं हुई, और आपके यहाँ 1 बीघा में कितने कुंटल बुवाई होती है चने की, और कितना चना आपके खेत में निकलता है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।